हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं राइटर प्लस एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, राइटर प्लस एक ऐसी एप्लीकेशन है कि इस एप्लीकेशन से आप राइटर बुक कर सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए असाइनमेंट लिखवा सकते हैं, बुक की रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गाइज, इस एप्लीकेशन के क्रिएटर है अमन सर और इसे ऑडियो टीवी प्रोडक्शन ने बनाया है और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं भी ऑडियो टीवी का एक मेंबर हूँ। जी हाँ गाइज, इस एप्लीकेशन को हमारी टीम ने ही बनाया है और हमारा ये प्रयास है कि ये इस एप्लीकेशन की मदद से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड को फायदा हो और वो आसानी से राइटर बुक कर सके और लाभ ले सके। तो गाइज, कैसे करना है इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर सबसे ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाए। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े और वहां आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, क्योंकि अभी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च नहीं हुई है, अभी ये ट्रायल बेस पे है। तो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, कोई भी समस्या हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अबाउट पेज से। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, आ गए हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और चलते हैं राइटर प्लस इस एप्लीकेशन में और देखते हैं कैसे करती है एप्लीकेशन काम। तो गाइज़, उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये एप्लीकेशन अभी ट्रायल बेसिस पे है, तो अभी आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। और अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और एप्लीकेशन को एंजॉय करें। तो चलिए चलते हैं ऐप में। थोड़ा मेरा गला खराब है तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो ये एप्लीकेशन राइटर प्लस, इसे हम ओपन करेंगे। तो इसने ओपन होते ही कहा राइटर प्लस लॉन्च्ड बाय ऑडियो टीवी नेटवर्क। अब ये ऑडियो टीवी नेटवर्क है क्या? तो गाइस, ऑडियो टीवी नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जाना जाता है अपनी वॉइसिंग के लिए। वॉइसिंग प्लेटफॉर्म है आई थिंक ये, और वॉइसिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर वॉइस एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और इनके शोज भी आते हैं। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं ऑडियो टीवी का एक मेंबर हूँ। जी हाँ गाइस, ऑडियो टीवी का एक मेंबर हूँ मैं और ये एप्लीकेशन हमारी टीम ने ही लॉन्च की है। सो इस एप्लीकेशन के क्रिएटर हैं अमन सर और अमन सर ऑडियो टीवी के फाउंडर भी हैं। तो इस वीडियो को बनाने देने के लिए मैं उनका एक बार फिर से आभार प्रकट करना चाहूँगा। तो चलिए, हाँ, यहाँ पर एक टिक मार्क है, प्लीज़ डोंट शो अगेन। तो इसे हम टिक कर सकते हैं, आप टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ओके करेंगे।
तो यहाँ पर एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर बड़े ही सिंपल ऑप्शंस हैं, कुछ घुमाना फिराना नहीं चाहा है डेवलपर ने और काफ़ी सिंपल ऑप्शंस दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है बुक राइटर। अब यहाँ पर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए राइटर बुक कर सकते हैं। एंड उसके बाद बिकम अ स्क्राइबर, ये स्क्राइबर है, स्क्राइबर का मतलब राइटर ही होता है और आप खुद राइटर बन सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के। अगर एक नॉर्मल पर्सन है आप, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको करना क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं बारी बारी से आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा। यहाँ से आप इनके कस्टमर केयर से चैट कर सकते हैं, चैट विद स्क्राइब स्लैश राइटर। तो यहाँ से आप राइटर से चैट कर सकते हैं जो आप जिसे आपने बुक किया है। चैट विद एजुकेटर, यहाँ से अगर आपको कोई डाउट है अपने पाठ्यक्रम से रिलेटेड, तो यहाँ पर टीचर्स भी नियुक्त किए गए हैं, इन टीचर्स से आप चैट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस इतने ही ऑप्शंस हैं इसमें, तो हम बारी बारी से इनको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बुक राइटर क्या है, क्लिक करेंगे इस पर और इसने कहा बुक योर अपॉइंटमेंट विद ऑडियो टीवी नेटवर्क राइटर। आगे देखेंगे एग्जाम राइटर, यहाँ पर कीमत भी दी हुई है। ये एग्जाम ऐसे वैसे नहीं, 9th, 10th, 11th, 12th वाले एग्जाम नहीं। हालांकि बुक आप उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ ये बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम, UPSC एग्ज़ाम्स वगैरह वगैरह, इनकी कीमतें हैं जो कि 50-60 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं विजुअली इम्पैक्ट को। यहाँ पर 5 हज़ार रुपये में आपका काम हो रहा है। और जान सकते हैं इनके बारे में, असाइनमेंट, अगर आपको कोई असाइनमेंट लिखवाना है तो गाइस असाइनमेंट अगर आपको कोई लिखवाना है तो बिल्कुल फ्री है गाइस। देखिए 0 रुपीज बिल्कुल फ्री आप लिखवा सकते हैं। 0 रुपीज ऑडियो, अगर आपको कोई बुक रिकॉर्ड करानी है तो वो भी 0 रुपीज 0 रुपीज स्केड्यूल कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें इतने ही ऑप्शन हैं। यहाँ से बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करेंगे तो बुक भी हो जाएगा। तो हम बैक आएंगे यहाँ से, आप इस वाले ऑप्शन को देखते हैं। Thank you for your interest in becoming a scribe for visually impaired students' exams. Your contribution can make a significant difference in enabling these students to demonstrate their knowledge and skills in exams. तो गाइस ये है इनका कुछ जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन का। अब यहाँ रिक्वायरमेंट्स देखिए। To become a scribe, you must meet the following requirements. आपको राइटर बनने के लिए निम्नलिखित रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। Good command of the language in which the exam is conducted. Sorry. Ability to write legibly and accurately. Ability to write legibly and accurately. Ability to write legibly. क्या बोल रहे हैं? Legibly and accurately. Ability to follow instructions and stay focused for the duration of the exam. Patience and sensitivity to the needs of visually impaired students. Roles and responsibilities. तो गाइस ये सारे ऑप्शन हैं। As a scribe, you will be responsible for writing down the answers of visually impaired students in the exam. You will read the exam questions aloud to the student and write down their responses exactly as they dictate them. Clarify any doubts or ambiguities in the questions if asked by the student. तो गाइस ये पूरी गाइडलाइन है स्क्राइबर बनने के लिए। Keep track of the time remaining in the exam and inform the student when there are 10, 5, and 1 minutes left. Sign and submit the completed exam to the invigilator or examiner.
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। रजिस्टर सब्सक्राइब प्लीज फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोवाइडेड बिलो। यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल्स, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड योर अवेलेबिलिटी फॉर एग्जाम्स। यू विल आल्सो नीड टू प्रोवाइड रेफरेंसेस हु कैन अटेस्ट योर सुटेबिलिटी फॉर दिस रोल। सो गाइस, यहां पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, उसे भर के आप सब्सक्राइबर बन सकते हैं। Once your application is received, it will be renewed and you will be contacted if you are selected to proceed to the next stage of the selection process. जब आप फॉर्म भर देंगे तो रिव्यू किया जाएगा, और अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ फुल नेम स्टार। फुल नेम, योर ईमेल स्टार, ईमेल सेलेक्ट, योर जेंडर स्टार, जेंडर सेलेक्ट करना है, कांटेक्ट नंबर स्टार, कांटेक्ट नंबर देना है, एज स्टार, एज स्टार, अपलोड योर रेज्यूमे/सीवी। यहां पर आपको सीवी देना है, मैक्सिमम फाइल साइज, ड्रैग एंड ड्रॉप और ब्राउज, योर एड्रेस स्टार, एड्रेस देना है, योर क्वालिफिकेशन स्टार, क्वालिफिकेशन, योर क्वालिफिकेशन स्टार, सबमिट, और अंत में सबमिट। तो गाइस, मैं अभी यहां पे फॉर्म नहीं भरने वाला, क्योंकि मैं खुद भी एक विजुअली इंपैक्ट पर्सन हूं। तो मैंने अगर ये फॉर्म भर दिया और गलती से रिव्यू हुआ तो दिक्कत हो सकती है। तो चलिए बैक करते हैं। चैट कर सकते हैं यहां से आप, चलेंगे चैट में, राइटर प्लस कस्टमर केयर चैट सपोर्ट, कस्टमर केयर चैट सपोर्ट, स्टॉप रिकॉर्डिंग, राइटर प्लस डैश कस्टमर केयर चैट, राइटर स्टॉप रिकॉर्डिंग, राइटर प्लस डैश कस्टमर केयर डिटेक्टेड आइकॉन चैट। तो गाइस, यहां पे जो चैट से पहले एक साइलेंट बटन है वो किसी काम का नहीं है, डिटेक्टेड आइकॉन चैट, और अंत में जो बटन है वो चैट है। तो जैसे ही चैट पे क्लिक करेंगे एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, एंड आप अपना जो भी फीडबैक वगैरह है वो लिखिए एंड सेंड कीजिए, और आपको विद इन 5 or 10 minutes आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसमें इतना ही था। चैट विद स्क्राइब स्लैश राइटर, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। मैसेज जैसे ही चैट पर क्लिक करेंगे एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, लिखिए अपना जो भी आपको कहना है राइटर से, एंड राइटर जब भी अवेलेबल होता है आधे घंटे घंटे में आपको रिप्लाई देगा। चैट विद एजुकेटर्स, इसे देखेंगे। राइटर प्लस डिटेक्टेड आइकॉन, राइटर प्लस डैश स्टूडेंट चैट सपोर्ट, स्टूडेंट चैट सपोर्ट, टिक स्टॉप रिकॉर्डिंग विद राइटर प्लस डैश स्टूडेंट चैट सपोर्ट। सो गाइस, टिक स्टॉप रिकॉर्डिंग विद राइटर प्लस डैश स्टूडेंट चैट, टिक डिटेक्टेड आइकॉन चैट। हां, तो यहाँ भी वही सेम है, चैट से पहले एक साइलेंट बटन और इसके बाद चैट। तो इस पर भी वही मैसेज बॉक्स खुलेगा, जो भी आपका कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन टाइप कीजिए, एंड आपको विद इन 20 or 30 minutes सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइज, ये थी एप्लीकेशन राइटर प्लस, जिसके क्रिएटर हैं अमन सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन बहुत पसंद आएगी और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगी विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और हाँ गाइज, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाएं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और एप्लीकेशन का मज़ा लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।